आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हमारे देश में कोरोना से क्या हाल बना हुआ है, और आप सभी को ये भी मालूम होना चाहिए कि सभी तक टीका पहुंच पाना अभी मुश्किल है। एक बहुत लंबा समय लगेगा हर व्यक्ति को टीका लगने में, और अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर भी रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि बुकिंग चल रही है, आपने देखा कहीं टीके भी नहीं है। कई राज्यों में अभी भी 18 से प्लस से लेकर ऊपर की एज वाले लोगों को टीका उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और ये भी हकीकत है कि आप समझिए कि हमारे देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है, समझ रहे हैं आप लोग। अभी मैं सोचता हूँ कि, और जानता हूँ कि अभी इसी में आपकी सुरक्षा है कि आप जब तक टीका नहीं लग जाता है, और टीका लग जाता है, वैक्सीन लग जाती है, उसके बाद भी आप अपने आप को सुरक्षित रहिए। किसी भी तरह से सुरक्षा रखनी है आपको, क्योंकि आप जानते हैं कि टीका लगने के बाद भी कई लोगों को कोरोना हो भी रहा है और उनकी डेथ भी हो रही है। तो अभी आप लोग मास्क जो भी है इस तरह की सेफ्टी बनाए रखिए, और टीका के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। टीका तो लगवाना ही पड़ेगा, लेकिन अभी अभाव में क्या किस क्या स्थिति बनी हुई है। आप देखते हैं कि जब भी कोई काम होता है तो बड़े जुनून से होता है, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि उसकी एक तरह से जुनून खत्म होता रहता है। आपने देखा है हमारी सरकारों ने भी यही किया कि जब शुरू में टीकाकरण की बात हुई तो अच्छी बड़ी संख्या में टीकाकरण किया जा रहा था, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि सब ठंडा ठंडा पड़ा हुआ है। तो शुरू में आप देखें कि जिस तरह टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार ने उत्साह दिखाया और देश में बने दो टीके चरणबद्ध तरीके से लगाने की रूपरेखा तैयार की गई थी, उससे लगा कि था कि अब देश में कोरोना का खतरा जल्दी टल जाएगा। और आप जानिए कि अभी भी आपके वैज्ञानिकों ने और कई डॉक्टरों ने कहा भी है कि तीसरी लहर भी आएगी। ना तो हम लोगों ने पहली लहर से कुछ सीखा था, अब दूसरी से कितना सीखते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने पहले सुना भी होगा कि पहले मुफ्त यानी कि फ्री में टीकाकरण अभियान चलाया गया, फिर कुछ समय वाला आपने देखा है कि निजी अस्पतालों को 250 रुपये में लगाने की इजाज़त दी गई है, और इस तरह आप देखेंगे टीकाकरण अभियान में तेजी आने की उम्मीद जगी थी, मगर फरवरी में आप देखेंगे कोरोना का नया रूप उभर कर आया और तेजी से फैलना शुरू हो गया। आप भी जानते हैं कि हमारे देश में भी नया स्ट्रेन आया हुआ है। महाराष्ट्र में आप देखेंगे भयावह स्तर दिखाई देने लगा, और फिर आप देखते हैं कि पूरे देश में फैलना शुरू होता है। ऐसे में कई राज्य सरकारों ने मांग की कि 18 साल तक की उम्र वालों को टीकाकरण की इजाजत दी जाए, क्योंकि वायरस के खतरे बढ़ रहे थे और जो कम उम्र के लोग थे उनकी भी डेथ हो रही थी। और आपने देखा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आपके जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसमें से एक सुझाव ये भी था कि टीकाकरण की एक तरह से रफ्तार भी बढ़ाई जाए, और जो आपके 18 से ऊपर के एज के हैं, अभी पहले आप देखते थे कि 45 प्लस की बात की जाती थी, लेकिन अब 18 प्लस हो गया तो इसमें इन्हें भी जोड़ा जाए। ठीक है, तब केंद्र ने उन राज्य सरकारों की मांग ठुकरा दी थी, हालांकि बाद में आप देखते हैं कि इजाजत भी दी गई, मगर अप्रैल आते आते टीकों की कमी दिखाई देने लगी, और पहले महाराष्ट्र में टीका उपलब्ध ना होने के कारण कई टीकाकरण केंद्रों के दरवाजे बंद हुए, फिर दूसरे राज्यों में यही स्थिति देखी जाने लगी है। मैं भी कई दिन से देख रहा हूँ, सर्च करता रहता हूँ कि कब टीका कहीं उपलब्ध है या नहीं है, तो कई शहरों में देखा मैंने कि नहीं उपलब्ध है 18 प्लस वालों को। ठीक है कि वहां जाकर भी लोग लगवा लें एक तरह से, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बावजूद आप देखेंगे केंद्र ने टीकाकरण उत्सव मनाने की घोषणा कर दी, और उसका मानना था कि लोग टीकाकरण के लिए अपेक्षित उत्साह से आगे नहीं आ रहे हैं, और कई लोगों में एक तरह से डर भी बना हुआ है टीकाकरण के लिए, वैक्सीन लगवाने से डर भी रहे हैं लोग। ठीक है, और इस वक्त आप देखेंगे देश में संक्रमितों यानी कि कोरोना पॉजिटिव की संख्या सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 4 लाख से ऊपर दर्ज हो रही है, और इससे मरने वालों की तादाद 4,000 के ऊपर आ रही है, तब टीकाकरण में तेजी लाने की मांग बढ़ रही है। और एक बात और आपको बता दूं कि ये तो आप समझिए कि सरकारी आंकड़े हैं, हकीकत क्या होती है आप भी जानते हैं और दुनिया भी जानती है। सरकारी आंकड़ों और हकीकत के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ये किसी सरकार की बुराई नहीं की जा रही है, ये हकीकत है।
आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अंग्रेजों के समय, उसमें आपने देखा है कि सरकारी आंकड़ों ने कुछ और रिपोर्ट बताई थी और हकीकत में कुछ और था, तो ये आप लोगों को जान लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि आजकल एक तरह से जांच करवाने से भी लोग डर रहे हैं, सर्दी जुकाम होता है, कुछ भी होता है, हम लोग हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि हॉस्पिटल जाने का मतलब क्या है, तो हम लोग घर में ही एक तरह से उपचार व्यवस्था कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ किसी भी तरह से अपने आप को सेफ रखिए, अपने आप पर रहम मत करिए, मैं कहता हूँ चलिए अपने परिवार पर तो रहम करिए, क्योंकि परिवार के लिए आप बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। मगर स्थिति यह है कि इस वक्त टीकों का भारी अभाव देखने को मिला है और ना निजी अस्पतालों में टीके उपलब्ध हैं और ना ही सरकारी केंद्रों पर भी है, कहीं नहीं, मतलब एक तरह से आप कहेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो तो वहां भी नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। आप देखेंगे जिस सीरम इंस्टीट्यूट के टीके पर सरकार की निर्भरता सबसे अधिक थी, उसने अब जरूरत भर के टीके उपलब्ध कराने को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए, और इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने रूस से टीका मंगाने की इजाजत दी है, मगर उससे भी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है। एक बहुत बड़ी जनसंख्या है हमारे देश में, अब सरकार को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वह इस स्थिति से कैसे निपटे, और पहले केंद्र सरकार ने टीकाकरण की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले रखी थी, और आपने देखा है कि पहली बार जब लॉकडाउन लगाया गया था तो पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को एक तरह से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले रखा था। आजकल आप देख रहे हैं कि उनके किसी मंत्री या किसी से पूछो तो वो बोल देते हैं कि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है राज्य सरकारों से जाकर पूछे, तो ये हाल बना हुआ है, ठीक है। पर जैसे ही आप देखेंगे कि टीकों की किल्लत शुरू हुई तो उसने राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डाल दी कि वे टीके बनाने वाली कंपनियों से तालमेल करके अपने अनुसार टीकों की दर तय करें और लोगों को टीके उपलब्ध कराएं। यानी कि वही हाल है कि जब कोई अच्छा होता है तो उसका श्रेय हर कोई लेने लगता है, और जब कुछ गलत होता है तो उससे फलडा झाड़ने का भी काम हर कोई करने लगता है। तो वही स्थिति आजकल भी आप लोग देख रहे होंगे लगभग, यहाँ तक कि केंद्र ने अपने लिए खरीदे जाने वाली टीके की कीमत सबसे कम रखी और राज्यों तथा निजी अस्पतालों के लिए दरें ऊंची रखी, और इसे लेकर भी आपने उसे काफ़ी आलोचना भी झेलनी पड़ी, हमारे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कई बार झड़प भी लगा चुके हैं, डांट भी लगा चुके हैं, फिर भी आप समझ रहे हैं कि ये सुधरने का नाम नहीं लिया जा रहा है। क्या होगा कि कीमत अलग अलग होने से आप समझिए कई लोगों को राजनीतिक फायदा भी मिलेगा, और आप समझिए कि अलग अलग कीमत, एक देश में आप रह रहे हैं, एक देश एक चुनाव की बात करते हैं लेकिन एक कीमत की बात नहीं करते हैं, ये भी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। दरअसल में आप देखेंगे केंद्र ने टीकाकरण अभियान को लेकर शुरू से ही सही रणनीति नहीं अपनाई, और आप देखते हैं लैंसेट एक पत्रिका है अंतर्राष्ट्रीय है, उसने भी आपने देखा है कि हमारी सरकार को इस महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। एक तरह से सरकार की गलती का ही परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं, उसका कहना है। कई अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पेपरों ने भी एक तरह से इनकी मतलब नाकामी की बात की है। हमारे देश के न्यूज पेपरों की, मीडिया की क्या स्थिति है ये आप बेहतर जानते हैं, और उसका आकलन भी ठीक नहीं था, वह शायद मानकर चल रही थी कि अब कोरोना का संकट समाप्त हो चुका है, और हमारे एक तरह से स्वास्थ्य मंत्री साहब ने भी इसकी वाहवाही लूटनी शुरू भी कर दी थी और कहा था कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन तब भी डॉक्टर कह रहे थे कि दूसरी लहर आएगी आएगी, और इसलिए टीकाकरण अभियान लंबे समय तक भी चलाया जा सकता है, और इसलिए आप देखेंगे वह सीरम इंस्टीट्यूट पर ज्यादा निर्भर रही है, दूसरे देशों की टीका बनाने वाली कंपनियों से बातचीत नहीं की है, जिन देशों ने अपनी तरफ से पहल की थी उन्हें भी अनसुना कर दिया गया, और टीके भी की बहुत सारी खुराक दूसरे देशों को इमदाद भी भेज दी, यानी कि हमने दूसरे देशों को दी भी है, हमारे देश में पूर्ति नहीं हो रही थी लेकिन हम लोगों ने दूसरे को दी हुई है। और आप समझिए कि जब से डोनाल्ड ट्रंप हटे हैं, बाइडन साहब आए हुए हैं, अमेरिका में काफ़ी कंट्रोल पा लिया गया है। आप जानते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई थी अमेरिका की, सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि सब कुछ उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, और आपने देखा है जैसे ही उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता था उनकी सबसे पहली प्राथमिकता कोरोना से निपटने की थी, समझ रहे हैं आप लोग। तो
तो ये होता है। और हमारे यहाँ क्या प्राथमिकता है? चुनाव जीतना, सब कुछ है, ठीक है। और आप देखेंगे दूसरे देशों से भी इन्होंने काफ़ी एक तरह से बेची भी है, कहने का मतलब यही है, या दान दी है। अब जब टीकाकरण अभियान में तेजी लाने की जरूरत रेखांकित की जा रही है, तो सरकारों को चाहिए कि वह इस मामले में विशेषज्ञों की सलाह ले और सर्वदलीय बैठक करके कोई व्यवहारिक उपाय तलाश करे। और आप समझिए कि अगर सलाह लेते होते हमारे देश के जो भी राजनेता हैं, तो ये स्थिति नहीं बनती। वही अपने आप को आपका राजनीतिक विश्लेषण समझ लेते हैं, अपने आप को एक तरह से आप कहिए कि अर्थशास्त्री भी समझ लेते हैं, अपने आप को डॉक्टर समझ लेते हैं, तो इसी का परिणाम हम लोग भुगत भी रहे हैं। पहली लहर आई हुई थी, उसके बाद डॉक्टरों ने चेतावनी भी दी हुई थी, तो हम लोग काफ़ी व्यवस्था कर सकते थे। ऑक्सीजन का भंडारण हो गया, या फिर आप समझिए कि इस तरह की जो भी वैक्सीन है या दवाई हैं, उनका भी भंडारण हम लोग उत्पादन बढ़ा सकते थे। हम लोग स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ठीक कर सकते थे, हॉस्पिटलों में देख सकते थे कि बेड व्यवस्था है या नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो मेरा लास्ट में इतना ही कहना है कि आप लोग घर में जितने सुरक्षित हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह कहीं आप हॉस्पिटल में भी सुरक्षित हो सकते हैं। तो मैं तो ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि कम से कम, मैं तो चाहता हूँ कि हॉस्पिटल जाने की नौबत ही ना आए, वो समय ही ना आए, उससे पहले ही आप अपनी सुरक्षा बनाए रखिए, रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा और टीका लगवा लीजिएगा। लेकिन उसके बाद भी, टीका के बाद भी आपको अपनी सेफ्टी रखनी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टीका पूरी तरह से इफेक्ट नहीं कर पा रहा है। और पहली बार हम लोगों ने गलती यही की थी कि पहली लहर जैसे ही कम हुई, हम लोगों ने मस्ती करना शुरू कर दिया। हम लोगों ने बिना सेफ्टी, कोई सेफ्टी नहीं, सुरक्षा बनाए नहीं रखी। हम लोग बाहर बिना खुले मुंह में जा रहे हैं, मतलब एक तरह से आपकी, हम लोगों ने मास्क मुंह से हटा दिया, तो उसका परिणाम भी सामने को देखने को मिल भी रहा है। और बहुत मायने रखते हो आप एक परिवार के लिए, नेताओं के लिए सिर्फ आप आंकड़े हो सकते हो, लेकिन उस परिवार से पूछिए जिसका एक मेंबर जाता है, ठीक है। इसलिए सुरक्षा बनाए रखिए, ठीक है।